नमस्कार द 24/7 से वीरेश तिवारी लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ बंगाली क्लब यंग मेन एसोसिएशन से। हमारे साथ मौजूद हैं लेडीज़ प्रेसिडेंट मिसेस मीनाक्षी सिन्हा जी। हम इनसे पूछेंगे कि कोरोना लॉकडाउन में कैसे दुर्गा पूजा मनाई जा रही है और इनके बंगाली क्लब को कितने साल हो गए दुर्गा पूजा मनाते हुए। तो हम ले चलते हैं आपको मीनाक्षी सिन्हा जी के पास। और सबसे पहले तो इस दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सबको मैं दे रही हूँ। और इस बार पूजा का 106 साल कंप्लीट हुआ मेरे बंगाली क्लब में दुर्गा पूजा की। और चूँकि कोरोना के चलते गवर्नमेंट गाइडलाइंस थी कि मतलब इस बार पूजा लोग अपने अपने घरों में करें, लेकिन बाद में जो है उन लोगों ने अलाउ किया तो बड़ा अच्छा लगा। बहुत दुखी हो गए थे हम लोग कि माँ दुर्गा इस बार हमारे घर नहीं आएंगी। इसलिए ज़िंदगी में पहली बार होता है कि माँ दुर्गा हमारे यहाँ नहीं आ रही है, लेकिन इतनी खुशी हुई चलो। लेकिन चूँकि महामारी है तो हम लोग बहुत रेस्ट्रिक्शंस के अंदर ये पालन किया जा रहा है, और यथासंभव जो भी मतलब केयर लेना चाहिए वो केयर लेके हम लोग मना रहे हैं। और लोग मतलब इस महामारी के चलते जरूर मतलब भीड़ कम आ रही है, लेकिन फिर भी मतलब भक्तजनों का जो आगमन है वो मतलब ठीक ठाक रहा, कम नहीं रहा। और लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, और जो भी प्रिकॉशंस लेना चाहिए लेके माता के दर्शन के लिए आए हैं। सब ने मिला के इस बार का दुर्गा पूजा बहुत अच्छा रहा और लोगों के साथ बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए माँ दुर्गा को मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं अरुण कुमार बैनर्जी, अध्यक्ष बंगाली क्लब लखनऊ। ये लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित पुरानी पूजा है और इस बार इसमें 106 साल हम लोग इस पूजा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते इस बार काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खासतौर से इस बार भी आप हमारी प्रतिमा, ये दुर्गा की प्रतिमा है, ये प्रतिमा इसी मंडप में प्रतिवर्ष बनती है, लेकिन इस बार ये निश्चित ना होने के कारण कि पूजा होगी या ना होगी, इसे दुविधा में प्रतिमा हम लोगों को बाहर से बनवाया गया, जो कि एक बार एक साथ की जो है 105 साल की जो है ये ब्रेक इसमें हम लोगों को जो है हुआ। और ये इस साल प्रतिमा के साथ साथ यहाँ दुर्गा जी का चंडी पाठ भी होता है, वो इस बार कोरोना काल के चलते नहीं हो पाया। सरकारी नियमों के तहत हम लोगों ने यहाँ पे सब पालन किया है, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि इस बार दर्शक जो भी भक्त का नाम है, इसके साथ साथ बंगाली क्लब में हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहन के आएँ, सैनिटाइज करवाएँ। लेकिन जहाँ तक इस क्लब में लाखों की तादाद में लोग आते थे, लेकिन इस वर्ष बहुत कम दर्शक आए और कम बहुत भक्तगण यहाँ पे आए। यहाँ पे सुबह पुष्पांजलि जो कि दुर्गा मंडप के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग की मेंटेन किया गया है, और इसी के साथ साथ खून से पुष्पांजलि इस बार यहाँ पे नहीं हुई है, प्रसाद या भोग का वितरण इस बार नहीं हुआ है। तो इसी के चलते कोरोना काल में हम लोगों ने ये तो एक ऐसा समय था कि हम लोग को एडजस्ट करना ही था। सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित पूजा होने के नाते हम लोगों ने पूजा के जो भी रिचुअल्स हैं उसका हम लोगों ने पूरी तरह से पालन किया है, और कोशिश ये की कि हम कम से कम भक्तगण जो भी बंगाली क्लब में आए वो माँ दुर्गा का। ये थे हमारे साथ अध्यक्ष महोदय कुमार बैनर्जी जी बंगाली क्लब एसोसिएशन। इसी के साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।